अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाउ आर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स? वालेकुम मैम, वी आर फाइन मैम, हाउ आर यू मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन एज वेल। हाउ आर यू मैम? दिस क्लास अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आई एम फाइन। This is your English class. So open your English textbooks. मैं वीडियो ऑन रखना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी स्टूडेंट्स, वीडियो ऑन कीजिए। आई वांट टू सी यू ऑल। वीडियो ऑन रखना है मैम। मैम मैम वीडियो ऑन रखना है। मैम जी, मैम कल आपने साइंस का काम भेजा था, वो मैं आज भेजूंगी। मैम 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 मुझे यूनिफॉर्म लगा के, लेकिन इसका मुझे दूसरा लगा के है, वो वाला व्हाइट वाला स्कार्फ नहीं मिल रहा था अभी। यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, आप सब अपना अपना जो कैमरा है वो बंद कीजिए और आप सब बुक निकाल लीजिए इंग्लिश की। मैम हमें आज रीडिंग करनी है ना? जी मैम हमें आज रीडिंग करनी है ना? पहले हम वो वाला ये तो मुकम्मल कर ले लेसन, अभी हमें उसमें थोड़ा पढ़ना है ना। यस मैम। ओके यस यस मैम, आज हम वो फुल पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, आज इस लेसन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। पेज नंबर 106 आपने निकाला? यस मैम। ओके, निकालिए सब 106 पेज में। जी पेज नंबर 106 आपकी आवाज। पेज नंबर है 106। सबने निकाला? यस मैम निकाला। यस मैम। अभी स्टूडेंट्स क्लास में आ ही रहे हैं तो थोड़ा वेट करेंगे हम। आफ्टर 4 मिनट्स वी विल स्टार्ट अवर लेसन। ओके, तब तक आप अंदर से रीडिंग कीजिए, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। निकाला सबने पेज नंबर 106? शाल आई स्टार्ट? यस मैम। ओके
Yes, ma'am. We can start. Meri voice sabko aa rahi hai clear? Yes, yes, ma'am. Okay. So, पेज नंबर 106 का जो सेकंड पैरा है आज हमें उसे कंटिन्यू करना है. कल हमने पढ़ा था कि ये जो वो आदमी जो वर्ल्ड वॉर में एक पायलट रह चुका था वो क्या कर रहा है अभी, वो अभी इस प्लेन को चला रहे हैं ऑन ऑटोमेटिक पायलट मोड, ठीक है. और उनको नीचे गाइड कर रहे थे कंट्रोल ग्राउंड कंट्रोल से एक एक्सपीरियंस्ड पायलट, ठीक. और उन्होंने उनको कहा था कि आप ये जो है प्लेन जो है जब तक इसका फ्यूल गॉग जो है वो ऑलमोस्ट खत्म ना हो जाए तब तक आप इस प्लेन को वहीं पर मैम मुझे आपकी आवाज धीरे आ रही है बेटा. yes, मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ. अब आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? मैम आपकी वॉइस क्लियर आ रही है लेकिन जब रुतबा करती है ना बात तब आपकी वॉइस नहीं आती है, पता ही नहीं उसको क्या है वहाँ पे. अब yes, आप सब माइक्स को म्यूट करके रखिए, अननेसेसरी माइक्स को अनम्यूट नहीं कीजिए क्योंकि वहीं से शोर आ रहा है. अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तब जाके आप अपनी माइक्स को अनम्यूट करना, ठीक है. ओके, तो हम ये लेसन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा कि ये जो वर्ल्ड वॉर एक पैसेंजर होता है जो वर्ल्ड वॉर में पायलट रह चुका होता है, अब वो इस प्लेन को जो है चला रहे होते हैं क्योंकि इस प्लेन के पायलट्स जो होते हैं वो बेहोश पड़े हुए होते हैं और उनको जो है गाइड कर रहे होते हैं नीचे से ग्राउंड कंट्रोल से एक्सपीरियंस्ड पायलट्स, ठीक है. तो वो उनको क्या कह रहे हैं जब वो बिल्कुल एयरपोर्ट के नजदीक आते हैं तो वो इनको कह रहे होते हैं कि आपको अभी लैंड नहीं कराना है, आप फिलहाल इस प्लेन को घुमाए सर्कलिंग कीजिए जब तक कि ऑलमोस्ट इसका फ्यूल गॉग जो है वो खत्म ना हो जाए. इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको कंट्रोल में आ जाएगा ये सारा और आप इसकी लैंडिंग स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है. अब हमें आज इसे आगे पढ़ना है, पहले मैं रीडिंग कर रही हूँ, सब नजर रखेंगे, फिर मैं लास्ट में आप लोगों से ही रीडिंग सुनूंगी. इन द कैबिन द डॉक्टर एंड द होस्टेसेस वर बिजी अटेंडिंग टू द सिक. सेवरल पीपल वर अनकॉन्शियस. द प्लेन सर्कल्ड फॉर ओवर हाफ एन आवर. द पैसेंजर्स हैड बिगिन टू रियलाइज दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. वॉज गोइंग ऑन? Why don't we land? Shouted a middle-aged man. My wife's ill. We have got to get her to our hospital. A woman began sobbing quietly. At last, the plane started its descent. Suddenly, there was a bump which shook the plane. We are all going to die, screamed a man. Even the hostesses looked worried as panic began to separate through the plane. Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that is. Yes, ma'am. आप लोग सुन रहे हो. Yes. Okay, अब मैं दूसरे पेज की रीडिंग कर रही हूँ. It's all right, someone said. The pilot just lowered the wheels, that's all. As the plane approached the runway, the pilot could see fire engines and ambulances speeding along besides the runway with their lights flashing. There was a tremendous thump as the wheels hit the tarmac, bounced twice, raced along the runway, and finally screeched to a halt. That was nearly a perfect landing. Well done, shouted Control Tower. Thanks, said the man. Any chance of a job? फिर लास्ट में इसको क्वेश्चन मार्क है, क्यों है? आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. अच्छा, अब इन द कैबिन द डॉक्टर एंड द होस्टेस वर बिजी अटेंडिंग टू सिक. अब ये जो मिडिल एजेड मैन था ये क्या कर रहा है, ये इस प्लेन को कंट्रोल कर रहा है यानी ये घुमा रहा है इसको ताकि इसका फ्यूल जो है वो खत्म हो जाए लगभग. और ये जो डॉक्टर और हॉस्टेसेस थे ये क्या कर रहे हैं, दे वर अटेंडिंग टू द सिक,
ठीक है, ये कैबिन मीन्स वहां जहां पर ये पैसेंजर्स बैठते वगैरह है, ठीक है, तो ये उन्हीं को अटेंड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही है उनको क्या हुआ था उस प्लेन में, सेवरल केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, और अब उनकी तादाद जो है वो बढ़ रही है, और वो अनकॉन्शियस हो रहे हैं, यानी बेहोश हो रहे हैं। The plane circled for over half an hour. और ये जो प्लेन जो है ये इस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द घूम रहा था लगभग आधे घंटे तक। कितने टाइम तक? आधे घंटे तक। ये क्यों घूम रहा था ये प्लेन, ये क्यों इसको घुमा रहा था? फ्यूल खत्म हो, वो एम्प्टी हो जाए। वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं रेस्पॉन्स दे रहे हैं? The passengers had begin to realize that something was wrong. वो जो passengers जो थे इसमें, जब वो देख रहे हैं कि हम आधे घंटे से एक ही जगह का चक्कर लगा रहे, तो उनको realize हो गया that there was something wrong. कुछ ना कुछ गलत है अभी, क्योंकि हम आधे घंटे से एक ही जगह के चक्कर काट रहे हैं। What's going on? Why don't we land? तो ये इनको कह रहे हैं क्या हो रहा है, हम लैंड क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा प्लेन लैंड क्यों नहीं हो रहा है? Shouted a middle-aged man. एक middle-aged man इनको ये कह रहा है। middle-aged यानी वो ना ही ज्यादा बुजुर्ग होता है और ना ही ज्यादा छोटा होता है, middle-aged हम उसको ही कहते हैं, ठीक है। तो वो उनको शाउट करता है, बोलता है कि हम क्यों नहीं लैंड कर रहे हैं, क्या हो रहा है? माई वाइफ सिल, उसकी बीवी बीमार है। अगर उसकी बीवी बीमार है तो वो आहिस्ता तो नहीं बोलेगा, ही विल शाउट, है ना, तो वो बोल रहे मेरी बीवी बीमार है, वी हैव गॉट टू गेट हर टू अ हॉस्पिटल, हमें उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना है। अ वुमन बिगिन सॉबिंग क्वाइटली, और वो जो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और ये जो वुमेन है ये क्या कर रही है, आहें भर रही है आहिस्ता आहिस्ता, यानी इनको रियलाइज होने लगा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ इस प्लेन में रॉन्ग है, ठीक है। एट लास्ट द प्लेन स्टार्टेड इट्स डिसेंट, और अब एट लास्ट फाइनली ये नीचे की तरफ आ रहा है, कौन, प्लेन नीचे की तरफ डिसेंट हो गया। एक्शन ऑफ मूविंग डाउन, डाउनवर्ड ड्रॉपिंग और फॉलिंग हम कह सकते हैं, नीचे की तरफ आना, ठीक है। आपने देखो होगा प्लेन किस तरीके से नीचे की तरफ आते हैं, तो अब ये एट लास्ट जो है ये प्लेन नीचे आने लगा है। सडनली देयर वॉज अ बम्प विच शॉक द प्लेन, और अचानक क्या हो जाता है, एक टक्कर जैसी लगती है जिससे पूरा जो ये प्लेन है हिल जाता है, ठीक है। जब किसी चीज को जो स्पीड से आ रही होती है, जब उसको अचानक से टक्कर कहीं लग जाए तो वो पूरी चीज नहीं हिलेगी, तो इसी तरीके से ये प्लेन भी जो है ये बहुत स्पीड के साथ नीचे आ रहा था। जब ये नीचे आ रहा था और किसी चीज के साथ इसकी टक्कर हो गई तो पूरा प्लेन जो है वो हिलने लग जाता है। We are all going to die, और सबको रियलाइज होता है कि अब हम मरने वाले हैं, और स्क्रीम बड़ा मैं, और एक आदमी वहां पर क्या करता है, वो बोलता है कि हम सब मरने वाले हैं, क्योंकि पहले ही इनको शक हो गया था कि कुछ रॉन्ग है, ऊपर से बीमार सा पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं सब, है ना। इवन द होस्टेसेस लुक्ड वरीड एज पैनिक बिगिन टू सेपरेट थ्रू द प्लेन, किसी भी मुश्किल हालात में इंसान का काम रहना, कूल एंड काम रहना, है ना, वो सबसे बड़ी ताकत होती है डिफिकल्ट सिचुएशन में। अगर इंसान डर गया किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, फिर उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। दैट्स द रीजन, ये जो हॉस्टेस थी इसने पहले ही बोला था कि हम लोगों को नहीं बोलेंगे कि इस प्लेन का पायलट जो है वो बेहोश हो गए हैं, क्योंकि लोग डर जाएंगे और वो
जो है एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जिससे हमारे सोचने की भी कुवत खत्म हो जाएगी। लेकिन अब ऐसे कुछ कंट्रोल इनके यहाँ नहीं रहा, क्योंकि लोगों को रियलाइज होने लगा है कि हम एक ही जगह के चक्कर काट रहे हैं। अब अचानक से टक्कर लग गई तो लोग डरने लगे और एक पैनिक स्टार्ट हो गया इस प्लेन में। और ये देखकर हॉस्टेस जो थी वो भी डर रही है कि क्योंकि ये पैनिक जो है बढ़ रहा है प्लेन में। ठीक है, आप खुद सोचे प्लेन में कोई बैठा है और उसको लगेगा कि मैं मरने वाला हूं, तो ऑब्वियसली वो चुपचाप तो नहीं बैठेगा, मौत का इंतजार तो नहीं करेगा, है ना। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, पैनिक स्टार्ट हो जाएगा प्लेन में। तो ऐसी ही सिचुएशन इस प्लेन में अभी है। इट्स ऑल राइट, समवन सेड, लेकिन कोई दूसरा बंदा कह रहा है नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। द पायलट्स जस्ट लोवर्ड द व्हील्स, दैट्स ऑल। ये टक्कर जो है, ये जोक जो है, हमें इसी वजह से लगी है क्योंकि पायलट जो है उन्होंने वो व्हील्स जो है, आपने देखा होगा प्लेन जो होते हैं उनके जब उनको लैंड करना होता है तो वो अपने व्हील्स, जो प्लेन के व्हील्स है वो छोड़ते हैं पहले, ताकि वो जो है स्मूथली लैंड कर सके। ठीक है, वो क्योंकि वो प्लेन उस वक्त व्हील्स पर ही चलता है, तो वही व्हील जो है वो उन्होंने नीचे जो है ग्राउंड के साथ या रनवे के साथ टच किए हैं, दैट्स व्हाई कि ये हो रहा है। एज द प्लेन अप्रोच द रनवे, और जब ये रनवे के पास पहुंच जाता है प्लेन, द पायलट कुड सी फायर इंजन एंड एम्बुलेंसेस स्पीडिंग अलोंग बिसाइड द रनवे विद देयर लाइट्स। तो ये जो है, ये पायलट जो है ये क्या देखता है, एक तो फायर इंजन देखता है, एम्बुलेंस देखता है जो इसी रनवे के साथ अपनी लाइट्स को जलाकर चल रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों तैयार थे, एम्बुलेंस भी तैयार थी, फायर इंजन भी तैयार था। क्यों फायर इंजन क्यों तैयार था? कि कहीं खुदा ना खासा लैंडिंग में आग वगैरह लग जाए या कोई हादसा पेश आ जाए, इस वजह से ऑलरेडी ये तैयार होता है। ये प्लेन, ये जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं उनमें ऑलरेडी ये प्रेजेंट होता है ये। और एम्बुलेंस भी तैयार रखी है क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंड कंट्रोल के साथ इनका कॉन्टेक्ट बराबर था, तो उनको सारा कुछ पता है कि प्लेन में कैसी सिचुएशन है, दैट्स व्हाई एम्बुलेंस भी खड़ी है। देयर वाज अ ट्रेमेंडस थंप एज द व्हील्स हिट द टार्मैक। और जब ये व्हील्स उस रनवे पे, टार्मैक क्या होता है, अ लैंडिंग स्ट्रिप मेड ऑफ अ ब्रोकन स्टोन मिक्स्ड विद टार, एक किस्म का एक ये होता है स्ट्रिप्स होती है जो दाएं बाएं होती है आई थिंक सो, और वो स्टोन और तार की बनी होती है। जब ये उनके सर लग जाती है तो एक खतरनाक का झटका इस प्लेन को लगता है। ठीक है, बाउंस ट्वाइस रेसिंग अलोंग द रनवे फाइनली स्क्रैच टेल। और जब ये प्लेन नीचे जाता है, जहां पर ये टक्कर इसकी होती है ना रनवे के साथ, ये वहीं पर नहीं रुकता है, ये फिर आगे जाकर पहले कुछ टाइम के लिए चलता है और उसकी स्पीड फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और फिर आगे जाकर ये कहीं रुकता है रनवे में। ठीक है, इसी तरीके से ये नीचे गया और रनवे के साथ इसने टच किया और अब थोड़ा आगे चलकर ये रुक जाता है। ठीक, स्टूडेंट्स आर यू देयर? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा? मसरूर, मीसम, यावर, अंडरस्टैंड हो रहा है? जन्नैन, यस मैम, यस मैम, ओके। That was nearly a perfect landing. Well done, shouted control tower. Control tower, वो वाला tower होता है जहां से वो experienced pilot जो है वो instructions दे रहा होता है किसको, इसी pilot को। ठीक है, तो वो इसको क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी perfect landing थी, उतनी perfect भी नहीं थी लेकिन it was near about that। ठीक, थैंक यू सेड द मैन। ये मैन क्या कह रहे हैं, जो ये पायलट चला रहे, ये जो प्लेन चला रहे थे, ये इनको थैंक्स कहते हैं। और क्या कहते हैं, एनी चांस ऑफ अ जॉब, क्या कोई चांस है मेरे जॉब का? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि उनसे पूछ रहे हैं क्या मेरे क्योंकि उन्होंने उनकी तारीफ की, जो कंट्रोल टॉवर्स से ये एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, इन्होंने इनकी तारीफ की, इनकी लैंडिंग की तारीफ की, तो ये इनको क्या कह रहे हैं? नो नो आई डोंट हैव। और तो ये क्या कह रहे हैं, एनी चांस ऑफ अ जॉब, क्या कोई चांस है मेरे जॉब का, यानी आप मुझे जॉब देंगे? ये यहाँ पर एज अ मतलब
सेंस ऑफ ह्यूमर कह रहे, मतलब उस अंदाजे से कह रहे हैं, मतलब मजाकिया तौर पर, कोई सीरियस वाले इनको जॉब नहीं मांग रहे हैं, मतलब मजाक के तौर पर इनको कह रहे हैं कि मेरी जॉब का कोई ये चांस है, क्योंकि अब हम आप बोलेंगे मैम ये कैसे मजाक, क्योंकि पूरी सिचुएशन जो है बिल्कुल सीन सामने आ रहा है कि इसने लैंड करवाई, परफेक्ट लैंडिंग हो गई, तो उसको वेल डन कह रहे हैं और ये यहाँ से इसको कह रहे हैं कोई चांस है, मतलब आपने मेरी तारीफ की तो कोई चांस है, मतलब ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, मजाक के तौर पर इसको कह रहे हैं, वरना इनको क्या जरूरत है मतलब इसकी जॉब की, क्योंकि अगर इनको जॉब की जरूरत होती है एज अ पायलट तो 15 इयर्स की गैप ये नहीं लेते, पहली तो ये बात, और दूसरी बात अगर इनको जॉब की जरूरत होती तो इन्होंने 15 इयर्स तक का वेट नहीं किया होगा, है ना, और इनकी एज भी ठीक ठाक थी तो इनको इसकी जरूरत नहीं थी, गॉट इट? Yes ma'am. Any yes, questions, ma'am. Yes ma'am. No ma'am. No Any ma'am. Any questions, dear students? No ma'am. No ma'am. Okay. No ma'am. Page, no ma'am. Page number 101 निकालिए सब, पेंसिल अपने हाथ में रखिए. Page number 101 और पेंसिल अपने साथ में रखिए, हाथ में रखिए. Ma'am निकाल दो. Ma'am वो तो point का. आपकी और मेरी, तो मेरी और आपकी बुक थोड़ी डिफरेंट है, आप इसी लेसन की बुक वर्क निकालिए, लेट्स एंड रीच आवर वर्ड्स टू मैम 108 मैम और बोलिए मैम लेट्स रीड व्हाट लेट्स रीड बिटवीन द लाइंस यही है नहीं बेटा ये नहीं इसके बाद वाला लेट्स एंड रीच आवर ओके ठीक है आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड रीच आवर स्टोर यही वाला जी 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 एक सेकंड पेज नंबर 111 मैम ये भी तो बोला था अभी मैम आपने बोला 101 का आपने बोला 101 I'm sorry for that. 111 okay, it is. Okay, सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, यहाँ पर कुछ flaps है. Arrival is to departure, as dash is to go. Arrival होता है आना, departure होता है जाना. इसी तरीके से dash is to go. Go का क्या आएगा आप बोलते हैं? Come. Come. तो वहाँ पर आप come लिखिए. दूसरा है स्लीपिंग इज टू बेड एज रीडिंग इज टू बुक्स यस मैम स्लीपिंग इज टू बेड मैम स्लीपिंग तीसरा है ड्राइवर इज टू कार क्योंकि ड्राइवर जो है कार चलाते हैं एज पायलट इज टू एरोप्लेन पायलट हम आप बुक बंद रखिए हम यहां से आपको बताएंगे पायलट स्काई इज टू डैश एंड एस्ट्रिड इज टू दूसरे को आएगा स्लीपिंग तीसरे को आएगा पायलट स्काई इज टू अर्थ एज वेलवेट रोड हाँ जी अर्थ एज एसेंट इज टू डिसेंट अनकॉन्शियस इज टू कॉशियस एज अनसीन इज टू सीन जी लिखा साबु ने यस मैम यस मैम ओके फिर है मैच दीज वर्ड्स टू मेक फ्रेजेस अ स्मूथ फ्लाइट नहीं नहीं फ्लाइट ओके मैम फ्लाइट हाँ अ परफेक्ट लैंडिंग यस मैम अ मैनी स्टिक रोड ये किसने अभी बोला स्मूथ रोड A many
बजट स्मूथ रोड भी आएगा, लेकिन ऑप्शंस में हमें फिर देखना है ना बाकियों के साथ मैच क्या होता है. यस मैम. ठीक है, वरना स्मूथ रोड भी आएगा. ठीक है, ओके मैम. मगर ऑप्शंस में हमें देखना है ना और जो बाकी सारे है ना इनके साथ भी फिर मैच होना चाहिए ना बाकी. फिर आयसा आयसा बेटा मुझे हेडफोन लगा के है, आयसा बोलिए प्लीज. Don't scream so loud. फिर है a well lit road. Well lit road हो गया जहाँ पर ना अच्छी खासी लाइट होती है. मैम fifth को आएगा मैन. Exactly. A middle aged man. Got it? Yes ma'am. मैम ये सब हमने इसी ये पढ़ा इसी lesson में. मैम मेन स्टिक को क्या आएगा तीसरे को? Passenger. मेन स्टिक passenger. जहाँ पर अच्छी लाइट होती है ना. लाइट होती है. हाँ लाइट लाइट जहाँ पर अच्छी होती है उस रोड को मतलब सड़क पे उस रोड को हम वेल लिट रोड कहते हैं. ये तो असल लाइट है. ओके मैम. फिर है अ मिडिल एजेड मैन. मैम अ मिडिल एजेड मैन. आपने बनाए अभी लाइक अ स्मूथ फ्लाइट परफेक्ट लैंडिंग मैनसिक पैसेंजर्स इन्हीं फ्रेजेस को आपने इन सेंटेंसेस में यूज करना. ठीक है, तो पहला है एट नाइट माय फादर लाइक्स टू ड्राइव ऑन. मैम अ वेल लिट रोड. एक सेकंड आप सब चुप कीजिए. आप शोर कर रहे हैं फिर आपको मेरी वॉइस ही नहीं आ रही है. एक सेकंड. ये जो सेंटेंसेस ये जो फ्रेजेस आपने अभी बनाए इनको आपने इन सेंटेंसेस में लिखना है जो पार्ट सी में है. ठीक है, पहला है एट नाइट माय फादर लाइक्स टू ड्राइव ऑन. कैमरा मैं ऑन कर रही हूँ, जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है वो देख सकते हैं. अ वेल लिट रोड. एट नाइट माय फादर लाइक्स टू ड्राइव ऑन अ वेल लिट रोड. वेल लिट रोड अभी मैं आपको बोल रही थी ना, ये है जहाँ पर अच्छी खासी लाइट होती है. फिर है देयर वर मेनी सिक पैसेंजर्स ऑन द प्लेन. थर्ड वन इज अ मिडिल एज्ड मैन ऑन द प्लेन वॉज वरीड अबाउट हिज वाइफ. Fourth one is, it will be a smooth flight, the pilot said, as there are no storm clouds in the sky. Fifth one is, the pilot made a perfect landing. Got it? Saaf saaf likhna or use pencil. Don't use pen on your books. Suresh, beta, camera theek se rakhiye. Sajjad, aap bhi camera theek rakhiye. Sajjad, aapne abhi uniform kyun nahi layi hai? What's wrong with you? मैम आप फिर से दिखाइए. मैम मैम फिफ्थ को क्या आएगा? अ परफेक्ट लैंड या परफेक्ट लैंडिंग. मैंने लिखा.
मैम आप फिर से दिखाइए मैम। मैम मुझे क्वेश्चन नंबर सी गलत है बेटा, मैं कैमरा जो है ना दिखा रही हूँ ना कैमरा से, मैम आ ही नहीं रहा था अभी। आएगा अ वेल लिट रोड, उसके बाद आएगा मैनी सिक पैसेंजर्स, उसके बाद अमेजल एजल एजेड मैन, अ स्मूथ फ्लाइट, नॉट एजेड एजेड मैन, अ स्मूथ फ्लाइट, अ परफेक्ट लैंड, लैंडिंग नॉट लैंड, लैंडिंग 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 ओके। लेट्स राइट अप खुद करेंगे, लेट्स राइट अप खुद करेंगे। आपको यहाँ पर दो सिचुएशंस दी गई है, दो में से आप एक चूज कर सकते हैं। पहला है सपोज यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे थे ड्राइवर सीट पे, ठीक है, जो पार्क थी एट द टॉप ऑफ द हिल, एक हिल पर वो पार्क थी, आप वहां पर खेल रहे थे और अचानक से वो नीचे आने लगी, वो कार नीचे आने लगी। सो व्हाट यू वुड टू डू देन, आप उस वक्त क्या करेंगे, उस चीज को आपको डिस्क्राइब करना है। या इमेजिन कीजिए यू आर द वार पायलट इन द स्टोरी, जो आपने स्टोरी पढ़ी इसमें आप वार पायलट है, सो डिस्क्राइब हाउ यू फ्लू द प्लेन, ठीक है, आप उस प्लेन को कैसे उड़ाएंगे वो आपको डिस्क्राइब करना है और वो यहाँ पर आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। हाँ जी, मानो कि आप वो प्लेन उड़ा रहे हो, आप हाँ जी स्टूडेंट्स, ये बाकी जो सारा है क्लास की टाइमिंग हो गई, ये मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी, जितनी इम्पोर्टेंट बुक वर्क थी वो मैंने बोली, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे और मैं आपको इसकी पीडीएफ छोड़ूं। मैम आप फिर करती नहीं है, अल्लाह हाफिज मैम, आज मैं पक्का करूंगी बेटा, कल सिर्फ मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा फोन जो था वो डाउन था, ये खराब हो गया था, दैट्स व्हाई मैंने नहीं किया, मेरे फोन में प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज मैम टेक केयर। क्लास आज मैंने अब बनाया, अब मुझे सब करना है सेंड, ये मैं अभी ग्रुप की सेटिंग चेंज करती हूँ, आप सेंड करना, ठीक है, ओके मैम। मैम आपने ये उनके को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जिसमें ग्रुप में सेंड, नहीं नहीं बेटा नहीं, मेरा फोन खराब था कल, मैं आज करो, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, आप अपनी साइंस क्लास के लिए रेडी हो जाओ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ मैम।